तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है 2022 मॉडल न्यू होंडा CB350 RS BS6 मॉडल का डुअल टोन मॉडल। तो दोस्तों, ये इसका डुअल टोन मॉडल है, गौर करिएगा, क्योंकि RS में आपको दो वेरियंट मिलता है, जिसमें से पहला है डुअल टोन मॉडल, दूसरा है मोनोटोन मॉडल, जिसे हम लोग सिंगल टोन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पास है इसका डुअल टोन मॉडल, जिसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसमें आपको 2022 में क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको कुछ नए अपडेट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इसकी जो प्राइस है ना 2022 में, वो भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके चेंजेस, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इसकी एक्सम प्राइस भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताने वाले हैं कि अगर आप लोग 2022 में न्यू होंडा CB350 RS डुअल टोन मॉडल लेने जाते हैं या फिर सिंगल टोन मॉडल लेने जाते हैं, तो आप लोग को जो कंप्लीट बाइक है ना, वो आप लोग को कितने में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में होंडा CB350 RS डुअल टोन मॉडल या फिर सिंगल टोन मॉडल लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, इसकी प्राइस क्या चल रही है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या चलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे आप नए अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका जो लुक है ना, जो होंडा हाइनस आती है उसकी तरह थोड़ा सा मैच करता है, क्योंकि इसका जो लुक है वो भी आपको क्लासिक लुक के साथ आती है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। लेकिन अगर हम बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो ये जो कलर है ना, ये इसका डुअल टोन मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं दो कलर में इसकी बॉडी देखने को मिलेगी, जो कि ब्लैक और येलो कलर में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो कलर है ये है ब्लैक विद स्पोर्ट येलो कलर, जो कि काफी प्यारा कलर लगता है देखने में। तो दोस्तों, ये जो येलो और ब्लैक कलर के साथ इसकी जो बॉडी देखने को मिल रही है, आप लोगों को कैसी लग रही, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करें बाइक के दूसरे कलर ऑप्शन के बारे में, दूसरे वेरिएंट के बारे में, जिसे हम लोग मोनोटोन मॉडल बोलते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको जो बॉडी मिलेगी वो आपको सिंगल कलर के साथ मिलती है। तो इसका जो दूसरा कलर निकल के आता है, वो निकल के आता है रेडियंट रेड मेटालिक कलर। तो दोस्तों, इसका जो रेड मेटालिक कलर है ना, उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो डुअल टोन मॉडल का येलो और ब्लैक कलर है, आप लोगों को कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, जिसमें आपको थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब इसकी जो प्राइस है ना, पहले से थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक्सोन प्राइस के बारे में। तो इसका जो सिंगल टोन मॉडल आएगा, यानी कि जिसमें आपको सिंगल कलर मिलेगा, जिसकी एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2,03,180 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो डुअल टोन मॉडल आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है 2,03,808 रुपए, यानी कि जो डुअल टोन मॉडल आती है वो सिंगल टोन मॉडल से 500 से 600 रुपए ज्यादा इसकी प्राइस रखी गई है। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो लगभग आप मान के चलिए 2,37,000 से 2,40,000 के बीच में आपको ये दोनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, ये मैंने आपको एक लगभग प्राइस बताया, जिससे कि आप लोग अपना एक बजट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसकी साइज है 310 mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो दोस्तों, गौर करिएगा, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आगे पीछे आपको दोनों में आपको ABS का चैन देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी ना, वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 100/90 का, 19 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलाविल के साथ। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट सेक्शन है ना, इसमें आपको जो कंफर्ट मिलने वाला है, इसमें आपको जो ब्रेकिंग क्वालिटी मिलेगी, वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलेगा, वो आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा, वो भी आपको LED सेटअप के साथ आती है, यानी कि इस पूरी बाइक में आपको कहीं भी आपको बल्ब या फिर हैलोजन का यूज देखने को नहीं मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसका जो हेडलैम्प है ना, वो आपको क्लासिक लुक में देखने को मिलती है, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 आती है, उसकी तरह इसका हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। इसकी जो विजिबिलिटी है ना, वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, वो आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। जो एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, उसमें आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाती है, बाकी सब कुछ आपको डिजिटल मीटर कंसोल में देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं छोटा सा डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर
मिल जाता है, एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके बाइक में कितना पेट्रोल है, उतने पेट्रोल में कितने किलोमीटर आपकी बाइक जाएगी वो भी आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसमें आपको टेकोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, क्लॉक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ मीटर कंसोल के साइड में आपको यूएसबी पोर्ट चार्जर भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये तो इस बाइक के मीटर कंसोल की बात, और अगर हम बात करें इस बाइक के हैंडल के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो हैंडल बार मिलेगा ना आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। और अगर हम बात करें इस बाइक के लेफ्ट हैंडल बार के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको लो इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, पासिंग स्विच मिल जाएगा, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए राइट हैंडल बार पे आप देखते हैं इंजन ऑन ऑफ स्विच दोनों एक ही में देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग एक ही स्विच से दोनों काम कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं, जो कि फॉगी कंडीशन में हाईवे राइडिंग में आपको काफी अच्छा हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के मीटर कंसोल की बात, हैंडल बार की बात, और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको काफी मस्कुलर और काफी बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक और येलो कलर में देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक का कैप देखने को मिलेगा आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें इस बाइक की सीटिंग कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो सीट मिलेगा ना आपको काफी अच्छी सीट देखने को मिल जाती है, इसकी जो सीट की कुछ नहीं है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसके सीटिंग कंफर्ट को लेकर आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए साइड पैनल पे आप देख सकते हैं CB350 RS का बैचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको जो होंडा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, CB350 RS लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आपको क्रोम में आपको 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में, तो वो आपको मिलेगा 348.36 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर SI BS6 इंजन देखने को मिलेगा। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15.5 kW का 5500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30 Nm का 3000 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है, प्रोग्राम्ड FI सिस्टम मिल जाता है, यानी कि आपका जो इंजन है ना काफी अच्छे से स्मूथली वर्क करेगा, क्योंकि इसमें आपको FI सिस्टम देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 70 mm का बोर देखने को मिल जाती है, 90.5 mm का स्टॉक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको अब आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम है ना 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल रही है। इसका यूज आप लोगों को पता होगा कि अगर आप अपने बाइक के साइड स्टैंड को नहीं हटाएं तो आपकी जो बाइक है ना वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपने साइड स्टैंड को नहीं हटा देते हैं। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के साइड स्टैंड की बात, और अगर हम बात करें इस बाइक के सबसे एडिशनल फीचर्स के बारे में जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि इसमें आपको आप अपना टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में, रियर प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो रियर से लुक है ना वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जो इसकी टेल लाइट देखने को मिलेगी वो भी आपको LED सेटअप के साथ आती है। तो दोस्तों इसका जो रियर से लुक है, इसका जो फ्रंट से लुक है ना, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज है 240 mm का। डिस्प्ले के बीच में आप देखिए ABS का चैन लगाया गया, क्योंकि ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है, तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको ABS का चैन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टायर मिलेगा आपको काफी चौड़ा टायर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मिलेगा 150/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलाविल के साथ। तो दोस्तों इसका जो रियर टायर है आपको काफी चौड़ा देखने को मिलेगा, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा ग्रिपिंग प्रोवाइड करेगी। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, ट्विंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के रियर सेक्शन की बात, अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से डायमेंशन के बारे में, इसके माइलेज के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2171 mm का। इसका जो हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1097 mm का। इसका जो व्हील बेस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1441 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 168 mm का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 800 mm का। इस बाइक का जो कार वेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 179 kg की ये बाइक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलेगी वॉक मिलती है 15 लीटर की। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के डायमेंशन की बात, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में कि ये जो बाइक है ना आप लोगों को कितना माइलेज देगी। तो दोस्तों इसमें आपको टॉर्क कंट्रोलर सिस्टम मिल जाता है, FI सिस्टम मिल जाता है, SI इंजन लगाया गया, और साथ ही साथ इसमें आपको BS6 इंजन लगाया गया है। तो इसका जो माइलेज मिलेगा ना वो भी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए 30 से 35 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं तो ये आपको 35 से 38 का भी माइलेज देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के माइलेज की बात, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इसके 2022 मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, जो कि इस बाइक का नया अपडेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों पहला अपडेट, इसमें आपको टॉर्क कंट्रोलर सिस्टम मिल जाता है। दूसरा, इसमें आपको स्मार्ट फोन वाइज कंट्रोलर सिस्टम मिल जाता है। तीसरा, इसमें आपको हैजार्ड स्विच मिल जाती है। चौथा और आखिरी, इसका जो साइड स्टैंड कटअप सिस्टम देखने को मिल जाता है। पांचवा, इसकी जो प्राइस है ना पहले से 1 से 2000
बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस के 2022 मॉडल में देखने को मिलते हैं, बाकी बाइक पहले की तरह इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये ब्लैक येलो कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छा लगा, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।